कि जब जब मो पे है प्रभु और काल चलावे चोट, तब भारत की कीजिए कोई पीतांबर से ओ। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आदरणीय उपस्थित सभी जनता जनार्दन, चतुर्वर्णी श्रोतागण, आज राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष बहुत सुंदर कथन लेके आ रहे हैं। कहानी का नाम है विधवा का प्यार। तो कैसा है विधवा का प्यार, गौर करेंगे। अरे सुनो विधवा को प्यार, सभी नर नार सभा के भाई, और एक नई कहानी कैसेट में भारत रे सुनाई। कुछ न कुछ नया सिखा करके जाएगी। अरे भारत रे सुनाई, सुधीर जी भारत रे सुनाई, एक नई कहानी कैसेट में भारत रे प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। अरे ना प्यार की उम्र करे जो कद्र प्यार की भाई, बेहद सुंदर नारी एक बेहद सुंदर नारी पति गए वाके स्वर्ग सिधारी, एक बेहद सुंदर नारी बड़ी लाचारी बन गई वो
विधवा नारी। मेरे भैया, एक बेहद सुंदर स्त्री विधवा हो जाती है, और ध्यान देना, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं न तो पुत्र जवानी में मरे और न किसी की बेटी विधवा हो। बड़ा ही कष्ट है, शादी के 2 साल बाद वो स्त्री विधवा बन गई। एक बेटा है, रात को सोचती है अगर दूसरी शादी करूंगी तो शायद दूसरा भी मर गया तो अपने बेटे के सहारे ही जिंदगी काटूंगी। श्रोताओ, घर के लोग उसे समझाते हैं, मायके पक्ष के लोग आते और कहते हैं कि बेटी आ रे, उम्र तेरी कैसे कटेगी बारी, अरे तो पे रही जवानी छाए, शादी कर लो दूसरी। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरे लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि मेरी जवान बेटी विधवा हो गई है। तुम दूसरी शादी कर लो। उम्र तेरी कैसे कटेगी बारी, तो बह गई है जवानी। संसार का नियम है, बहन और भाई रास्ते से जा रहे हो, दोनों जवान हो तो सुधीर भैया 99% लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये बहन भाई है। ये संसार का नियम है, गलत सोचते हैं तो पिताजी बोले हैं बेटी से अरे कच्ची उम्र सुन मेरी लाड़ो, अरे क्यों जीवन में बढ़ाओ लाड़ो। जीवन की क्यों करी रही है ख्वारी, तो पे रही है जवानी छाए। भाभी बोली है दीदी, पिताजी कह रहे हैं दूसरी शादी कर लो। नहीं करूं। तो भाभी मजाक करते हुए बोली है दीदी, ए नाई जवानी कटेगी डाटे, अरे करो सगाई हो जा रही है।
लड़की एक ही बात कहती है, पिताजी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, तुम्हें ये लगता है कि मेरे चरित्र भंग हो जाएगा? अगर मेरे भाग्य में पति का ही सुख होता तो मेरे पति क्यों मरते? पिताजी आंखों में आंसू लेके बेटी के आगे से हट जाते हैं। भौजाई समझाती है, कुछ मजाक भी करती है, हंसाती है, रुलाती है, लेकिन वो विधवा स्त्री कहती है, बहन मीरा भाई की तरह अरे करूं प्रभु से प्यार, मुझे मेरी हालत पे छोड़ो, काए करो तुमरा जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, जमीन है, जायदाद है, घर है, दो वक्त की रोटी चाहिए, वो हो जाएगा, पर तुम मुझे प्रेशर में मत लाओ कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मेरे पास एक बेटा है और मैं अपने बेटे के सहारे जीवन काट लूंगी। और दोस्तों लग जाए बीमारी कटे कटे और कटे। क्या है समाज का नियम? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज में चलन है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे बहिष्कार पेट लटक जाए भाभी, अरे घटे घटे और नाई घटे, अरे बूढ़े आदमी में रोग बबरी गो कटे कटे और नाई कटे। बुरा मत मानना, ये देहात के शब्द हैं। अरे लव मैरिज कर की घर लियो सुधीर, अरे रुके रुके और ना रुके, सुनील वैसे कथावाचक को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गांव में चलन है। अरे राड लुगाई अन्ना भैंसा थमे थमे और नाए थमे, ओरे राड़ लुगाई अन्ना भैंसा, अरे सब भांति वो लड़की समझाई, ऐसे भी बातें कही, लेकिन उस लड़की के समझ में कुछ नहीं आया। बहुत कहा कि तेरी शादी को 2 साल हुए, तू विधवा बन गई, तेरे पे एक बेटा है, कैसे तेरा जीवन कटेगा मेरी लाड़ो, मान जा। लेकिन वो नहीं मानी, पी हर वालों ने विधवा सब भांति दई समझाए, बेटी बात माने नहीं तो सुहागिन दें
लड़की ने हाथ जोड़े एक बात कही, पियर वालों से आप चले जाइए, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे तो मेट नहीं सकते, जमीन जायदाद है, मैं भूखी नहीं मरूंगी। मेरे भैया, अरे मायके पचकी, सुनील बाबू, अरे मायके पचकी, नाय मानी वो तो अपनी रही, लड़की बोली है मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी, और मानूंगी क्यों नहीं वो सुनो। अरे मायके पचकी, नाय मानी वो तो अपनी रही, चलाए भैया रे वो तो अपनी रही, चलाए। लड़की बोली जीने का सहारा है, लेकिन वो नहीं मानती है। और हार मान के बिहार वाले लौटे अपने धाम, ए हार मान के बिहार वाले लौटे अपने धाम, अरे हट पे विधवा अड़ी रही, बिगड़े सारे काम फिरी, लेकिन समाज की दृष्टि क्या है? तुमने देखा होगा आज प्रेजेंट में, अगर सुनील बाबू किसी का किसी से हित हो जाए और वो लड़की गांव से उस लड़के के साथ चली जाए, है तो गलत बात, लेकिन चली जाए तो गांव वाले डंडा लेके भागते मारते। और इस समाज में अगर किसी बेटी का बलात्कार हो जाए तो वही लोग मोमबत्ती लेके सड़क पर डोलते हैं। कैसा समाज है हमारा? आगे लिखा है, अरे रण रणा पो जब काटे, हरे रणुआ काटन दे, हरे गली के चक्कर रणुआ काटे, भावी कछुके फिरी सवरे गए, हसिया भैया रे सब देवर गए। मेरे भैया, जवान लोग उस विधवा स्त्री के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन बड़ी चरित्रवान महिला है वो, बड़ी चरित्रवान है, उसने आज तक पति को मरने के बाद किसी को बुरी दृष्टि से देखा ही नहीं। वो सोचती है अगर दुनिया में पति सुख नहीं मिलेगा तो क्या जीवन नहीं कटेगा। बड़े अच्छे विचार हैं।
और श्रोताओं, घर वाले भी चाहते थे ससुराल पक्ष के लोग यहां से चली जाए और इस बच्चे को भी ले जाए यहां से। घर के ही लोग दुश्मन बने हैं, कोई साथ नहीं देता है उसका। पीहर वाले भी नाराज रहते हैं। हुआ ये, गली का एक लड़का जो देवर लगता था, वो भाभी से बहुत बहुत नजदीकियां बढ़ाता था, लेकिन भाभी के दिल में कोई गलत ख्याल नहीं था, कोई गलत भावना नहीं थी। एक दिन विधवा स्त्री के बेटे की तबीयत खराब है, और हुआ ये, तुम्हारो हर लाए भूलू बेटा की दवाई ले आइयो। चले जाओ ना, जो लड़का रोजाना राम राम राधे राधे करता था, भाभी जी नमस्ते, तो सोचा कि वो लड़का बहुत आदत का अच्छा है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। घर वाले नहीं जाते हैं दवा दिलवाने बच्चे को, विधवा का बच्चा बीमार है, पड़ोस वाले भैया से कहा, देवर जी, जी क्या मेरे बच्चे की खांसी की दवा लेके आ सकते हैं आप? बिल्कुल। भाभी कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने हमारी मदद की है। अच्छा, घर वाले तो कोई सुनते तक नहीं है। मेरे भैया, एक बात और कही। देवर बोला, भाभी जी, आधी रात हमें याद करो, अरे हम हर पल हैं तैयार, अरे गलत कछु नहीं समझियो है दिल को प्यार। हे भाभी माँ, आप कुछ गलत मत समझना, कभी नहीं, आपकी हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में ये देवर आपका साथ देगा, तो ध्यान देना। आज धीरे धीरे उस लड़के से उस विधवा स्त्री की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। हुआ ये, और भाभी को बांसे लगन लगी अब केवल वही सुहाता है।
एक कहावत है, विद्या बनता बन लता ये न तके कुल जात, और जो इनके पास में रहे ये वाही से लिपटात काम फेल हो गया। और हुआ ये, विधवा स्त्री चर्चा करती है, नजदीकियां जब बढ़ने लगी तो गलियों में चर्चा होने लगी। आखिरकार बड़ी पतिव्रता है, विधवा होने के बाद किसी को घास तक नहीं डाली, लेकिन इससे क्या लफड़ा है। गली में चर्चा है, सुधीर भैया दोस्तों, गली गली में महिलाएं चर्चा करती हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब उन दोनों देवर भाभी के कान में बात पड़ी है तो उन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श किया कि हमें लोग बदनाम कर रहे हैं। बोले हाँ। और धीरे धीरे उस स्त्री की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं उससे। विद्यावनता बनलता ये न तकी कुल जाति, जो इनके पास में रहे जे बाई से लिपटात। ध्यान देना, अगर स्त्री वो तो विधवा रही, अगर सुहागिन स्त्री किसी पर पुरुष के साथ रहती है तो गारंटी है कि उसे उससे मोहब्बत होगी, प्यार होगा, दिल में जगह बनाएगी उसके लिए। बेल जो होती है जहां भी रहेगी वो वहां उसके साथ ही संसर्ग में आएगी। धीरे धीरे अरे सब खर्चा नारी चला में उसी देवर का।
साथियों, घर घर में चर्चा है तो वो दोनों देवर और भाभी कहते हैं, हमने चोरी की नहीं पर लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। तो देवर कहता है, भाभी चोरी कर लें। तो भाभी देवर का इशारा समझ गई, कोई बात नहीं देवर जी। अरे घर घर में चर्चा छाई, सुनील भैया, कि घर घर में चर्चा छाई, लला लो कलाज बिसराई। चोर बना रहे हैं गांव के लोग, गलत समझ रहे हैं। तो भाभी भगवान कुछ नहीं कहेगा, कि घर घर में चर्चा छाई, लला लोक लाज बिछराई। विधवा स्त्री के ससुराल के लोग कहते हैं, के तोय शरम रही अवनाई, के तोय शरम रही अवनाई, क्यों लोक लाज बिसराई। ससुर आते हैं, कहते हैं तुझ पे कहीं मरा नहीं जा रहा, तो गांव में हमारी नाक कटवाती है। तो रात्रि हुई और उस देवर को घर में बुला के कहती है, प्यारे कसम का पालन होने लगा,
भाभी कहती है तुम्हें मेरी सौगंध है, तो मुझे धोखा मत देना, तुम्हारे पीछे बदनामी हो रही है मेरी। तो वो लड़का भी सौगंध खाता है, भाभी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ ये। अरे आगे कथा सुनो, गर्व ठहर गया, दोनों का सामंजस्य बैठा है, दोनों ने उस गर्व को खंडित कर दिया। यानी प्यार सिर चढ़ के बोल रहा है, कैसा है वो प्यार। अरे प्रीति की रीति निभाई दियो, और जोड़े भाभी तेरे हाथ, प्रीति की रीति निभाई दियो, भाभी जोड़े हाथ। सुनील भैया कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार में लीनी मांग भरवाई, देवर रोहे खुशी मनाई। के जिंदगी मेरी काट दियो, भावी जोड़े हाथ, प्रीति की रीति निभाई दियो, भावी जोड़े हाथ। समय गुजरता गया, दोनों का प्यार सिर चढ़ के बोलता रहा, मांग भी भरवा ली, सामाजिक दृष्टि में वो विधवा है, लेकिन अंदरूनी दिल की दृष्टि में वो सुहागिन बन के रहती है। मेरे भैया हुआ ये। अरे कछु साल के बाद रे कहानी बदली भाई, तू नहीं जानता है ये पराई स्त्री है। महाराज ये है विधवा पर नारी, और हमें छोड़ कर कुकरी है बुद्धि गई मारी। तू पागल हो गया है, आज ये हमारी है, कल ये किसी गैर की होगी, सामाजिक दृष्टि में ये विधवा है। उस देवर के घर वाले समझा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अरे पर नारी की।
शादी होके तेरी दुल्हन आएगी, साथ भामर पड़ के आएगी, तेरे शरीर पर हल्दी का लेप होगा बेटे, वो स्त्री जब आएगी वो तेरे साथ जीवन काटेगी, ये तो मनचली है। घर के लोग उस लड़के को भड़का रहे हैं, किसी दिन तुझसे अच्छा मिलेगा ये उसके साथ जाएगी। इसके घर वालों ने कहा था शादी कर ले, लेकिन इसने शादी नहीं की, ऐसे ही मुंह मारेगी। बेटा के समझ आ गई आई है घर के रे बापों भड़काई है, धीरे धीरे ये बात उस विधवा स्त्री के कानों में पड़ी है तो सोचने लगी, बड़े वायदा किए थे इसने कि मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन ये फिर शादी क्यों कर रहा है मेरे भैया। विधवा नारी ने सुनी जाकी शादी रही है आए, मेरे संग धोखा करो नारी गई खिसियां। आपने कहावत तो सुनी है, चोट खाई नागिन और धोखा खाई औरत, कभी भी कुछ हो सकता है। उसने पड़ोसियों के माध्यम से सुना कि तुम्हारे देवर जी की शादी होने वाली है, लड़की भी देख आए गोद भराए, फलाने दिन बारात जाएगी। कहां चैन है उस औरत को, हर बीती आधी रात लो करोगे, दूसरी शादी करोगे, मुझमें क्या कमी है, है? देवर हाथ में हाथ डाल के बोला है भाभी हम तुम तो पत पत्नी ही रहेंगे, वो आएगी ना दूसरी, कौन दूसरी बोलो, कौन दूसरी कि जिससे मेरी साथ भामरे पड़ेंगे, और जो मेरी मांग भरी थी वो बोले वो भी चलता रहेगा। तो बोली के तूने धोखा
वो लड़का मनाता रहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, घर वालों की इच्छा है, मुझे शादी करनी पड़ रही है, मैं क्या करूं। रोने लगी, उसके हाथ दबाने लगी, उसके पैर दबाने लगी। श्रोताओं, हुआ ये, अरे आँखें से आंसू रहे आए, अरे दूध को अरे लोटा भरी लाई, अपने छोटे से मुन्ना को दूध पिलाती है। वो एक गिलास खुद पीती है, गिलास देवर को पिलाती है। देवर समझा रहा है भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी पहले रो रही थी, बाद में धीरे धीरे दूध पिलाती जा रही है, मुस्कुराती जा रही है। चक्कर खा के गिरने लगा है, भाभी भी गिरने लगी है। 2 साल का बच्चा मुंह से झाग डाल रहा है, बेटा पहले ही मर गए, दूध पी करके प्राणांत हो गया, मुंह से झाग डालने लगा, पैर घिसने लगा, उस देवर का भी प्राणांत हो गया। विधवा स्त्री कहने लगी, जब तुम मेरे बन के नहीं रह सकते हो तो मैं बनने किसी की नहीं दूंगी। ध्यान देना दोस्तों, दवा खुनसा मान गई और सब कूदो मिटाई, अरे नारी जाति को ना कलंक लगे, तू जहर लोबान खाए, सोचने लगी अगर इसकी शादी हो गई, इसकी पत्नी आएगी तो ये मेरे बारे में उसे जरूर बताएगा। वो स्त्री मुझे किस दृष्टि से देखेगी, गांव में बदनामी पहले से ही है, गांव के लोग फिर मुझे ताहनों से ही मार देंगे, खूब मजे लिए तेरे साथ, इसने तुझे छोड़ दिया। तो ध्यान दे दोस्तों, प्यार करना तो सच्चा, किसी के साथ धोखा मत देना।
कर रहे हैं हमारे छोटे भ्राता, हमारे राइट हैंड, आज से नहीं कम से कम 12 साल से हम साथ में ही हैं, राधा रानी कैसेट कंपनी के ओनर श्रीमान सुधीर कुमार यादव जी, और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप दिल्ली के माध्यम से राठौर कैसेट कंपनी से। ढोलक पर संगति दे रहे हैं हमारे बड़े भ्राता श्री सुनील कुमार यादव जी, नगला भाट के रहने वाले हैं, और जनकार दे रहे हैं आदरणीय अध्यापक श्रीमान राजू मास्टर जी, और हमें आप लोग शायद कोई जानते होंगे कोई नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। माध्यम से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, और भारत शास्त्री की लोक कथाएं, लोक गीत, इतिहास, किस्सा, कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।